की रस्म से पहले मुस्कान पर आई नई आफत। मुस्कान पर अनजान शख्स ने किया हमला, मुस्कान ने भी किया खुद का बचाव। सीरियल मुस्कान में मुस्कान पर एक मुसीबत टलती नहीं है कि दूसरी मुसीबत आ खड़ी होती है। सगाई में जो ड्रामा हुआ उससे तो आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं। और अब ये देखिए, हल्दी की रस्म से पहले ही मुस्कान पर हुआ हमला। अब ऐसे हालातों में मुस्कान करे भी तो क्या, वो इतना घबरा जाती है कि हाथ में चाकू लेकर करती है खुद का बचाव। आइए मुस्कान के ही पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आज जब मुस्कान तैयार हो रही थी तो आखिर उन्हें किसकी आहट आई। साथ ही मुस्कान से ये भी जान लेते हैं कि आखिर मुस्कान का शक किस पर है। हल्दी की रस्म है और ना चाहते हुए भी एक एक रस्म आगे बढ़ ही रही है। मतलब मुस्कान और रौनक नहीं चाहते हैं कि ये जो झूठ की शादी है, जो नाटक है, उसको रियल में कन्वर्ट हो, और क्योंकि ये सबके आंखों में एक धोखा है और माँ को धोखा दे रहे, पूरे फैमिली को चीट करके जो भी कर रहे हैं वो हो रहा है, तो दे डोंट वॉन्ट कि आगे बढ़े ऐसे इस तरह से। तो यस, सगाई हो चुकी है और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हल्दी की रस्म है, इसके लिए मुस्कान रेडी हो रही है। शक नहीं, यकीन है कि ये सर्जरी के अलावा कोई नहीं कर सकता। मुस्कान, पहले तो आपको आहट आई लेकिन जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, क्यों? सही कहा ना हमने। मुस्कान आउट हाउस में रह रही है और जो सारी फंक्शंस है वो घर में हो रहे हैं, तो मुस्कान यहाँ पर रेडी होने के लिए जैसे ही आई तो उसको कुछ महसूस हुआ, उसको लगा कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। इससे कुछ इस फील होता है हमें कि देर इज समथिंग, वो एक एहसास है उसको। पर जब भी वो टर्न करके देखती है, जहाँ भी देखती है, तो कोई होता नहीं है, तो वैसे भी बहुत डरी हुई है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारी चीज़ें, इतने सारे अटैक्स हो चुके हैं उस पर, तो और खास करके इस वक्त जब वो अकेली है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डर गई है। वैसे मुस्कान, फाइनली आपको जो एहसास हुआ, जो आहट आई, वो वाकई हकीकत में तब्दील हो गई, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? एग्जैक्टली, तो अब तक तो सिर्फ पीछा कर रहा था ऐसा फील हो रहा था, फाइनली जब मुस्कान ज्वेलरी पहन रही है अपनी, रेडी हो रही है, तो अचानक से ही रूम में कोई आता है और मुस्कान उसको देख के डेफिनेटली बहुत डर जाती है। ब्लैक कोट में मास्क्ड पर्सन है तो मुस्कान शक्ल नहीं देख पाती है, पर वो मुस्कान को फॉलो कर रहा है और उसको ज़बरदस्ती बेड पे धकेल रहा था और मुस्कान कैसे भी उसको धक्का देकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। आगे देखना है कि क्या होता है, मतलब स्ट्रगल तो जारी रहेगी पर वॉट विल बी द एंड रिजल्ट। मुस्कान, वैसे कहना गलत नहीं होगा कि इतनी घबराहट के बावजूद भी आपने खुद का काफी बचाव किया। हाँ, जान बचानी है भाई, क्या करना है, जान खुद को ही बचानी है, सेल्फ प्रोटेक्शन, और सेल्फ प्रोटेक्शन में बस क्या ही कर सकती, क्या क्या करते हैं लोग, और मुस्कान किस हद तक सेल्फ प्रोटेक्शन में जाएगी वो आपको देखना। वेल, मुस्कान को तो पूरा भरोसा है कि इस पूरे इंसिडेंट के पीछे सरजी का हाथ है, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं कि क्या होगा सरजी का हाल जब रौनक को पता चलेगी सरजी की सारी हकीकत। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।